hello everyone so now in this session we will cover the geography top 50 mcq so as I as I uh, said guys the continue updates logo core related to GK and current affairs I will provide so uh, I already covered the history polity and uh, now today in this session we will see the geography most expected questions so

Let's start the session. You all are uh, many student, Roshan, Yes, and uh, Vivek. Okay, so so in this series, basically, uh, I will try to give you the expected questions, expected question. Hello, hello, uh, Nikhil.

कॉन्ट में प्रॉब्लम है आई टेस्ट सीरीज ऑफ द ओके विवेक ग्रेट ठीक है सो द क्वेश्चन वॉट आर द क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग इन दिस सीरीज दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी हाईली रेलिवेंट यू कैन सी द क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इट एंड लास्ट ईयर जो भी लास्ट टू थ्री ईयर्स मैंने इस तरह से काफी सेशन किए थे एंड देन काफी काफी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं मतलब इन सिंगल सेशन से वन टू थ्री क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं तो जो क्वेश्चंस मैंने लिया दैट दै दीज क्वेश्चन आर वेरी फिल्टर क्वेश्चन सो विल हेल्पफुल फॉर यू एज वेल एज वट इवर द सजेशन हियर आई विल प्रोवाइड यू दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट्स अकॉर्डिंग टू दैट इफ यू विल प्रिपेयर देखो ये लाइव सेशन इसीलिए होता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं दे के जाऊँ कुछ चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड बता के जाऊँ कुछ चीज़ें सजेस्ट करके जाऊँ एंड कुछ आपके डाउट्स एंड क्वेश्चन होते हैं वो भी हम एक सेम टाइम पे डिस्कस कर लेते हैं okay, ओके तो लाइव सेशन का एक काफी बेनिफिट होता है So, जो लोग बाद में भी देखते हैं ट्राई करो ये जब सीरीज चलती है इसका नोटिफिकेशन आपको आता है तो ट्राई करो लाइव सेशन में कनेक्ट होने का देन इट्स बेनिफिशियल फॉर यू गाइस ये सेशन आप लोगों के लिए ओके सो लेट्स स्टार्ट द सेशन और भी जो क्वेश्चंस रहेंगे हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे अगर से रेलिवेंट है तो डेफिनेटली आई विल आंसर द क्वेश्चन कॉन्ट में प्रॉब्लम है ठीक है निखिल डोंट वरी विल डिस्कस इन अ लास्ट ऑफ द सेशन मैं आपको गाइड करता हूँ क्या कर सकते हो कॉन्ट में स्पेशली आई थिंक्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फाइव ईयर राइट तो टेन मार्क्स का कॉन्ट uh, होगा तो so, इसके लिए बहुत ज्यादा वरी नहीं होना है टेन मार्क्स का है ठीक है कुछ टॉपिक्स हैं उनको फिल्टर कर लो उन टॉपिक पर फोकस करो एटलीस्ट सेवन एट मार्क्स तो फिक्स कर लो सिक्स सेवन मार्क्स फिक्स कर लो एक दो क्वेश्चन है अगर उसमें बहुत डिफिकल्टी हो रहे थे देन पुअर अकॉर्डिंग टू दैट समझे तो इसलिए क्या करना है कि जो मोस्ट मोस्टली uh, क्वेश्चन जिस टॉपिक्स आते हैं इजी है तो उनको प्रिपेयर कर लो अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर में क्वान्ट बहुत ही इजी है क्या इतने इजी ही पढ़ना है कॉन्ट में येस ऐसे ही आते हैं ईजी टू मॉडरेट होता है डिफ़िकल्ट लेवल नहीं होता एक ट्वेल्थ लेवल के स्टूडेंट्स एग्जामिनर का सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन होता है द टेन क्वेश्चन क्यों दिया है उसी से आप समझ लो ना वाई द टेन क्वेश्चन बिकॉज दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ठीक है बेसिक कैलकुलेशन स्किल है इस इस स्टूडेंट के पास इसीलिए कॉन्ट का एक सेक्शन डाल दिया क्योंकि आप स्कूलिंग करके आ रहे हो इलेवन ट्वेल्थ आपने क्लियर करके आ रहे हो तो एक बेसिक मैथ डाल दिया इसीलिए थ्री ईयर्स में मैथमेटिक्स नहीं डाला है क्योंकि वो ग्रेजुएशन के बाद अपियर करते हैं और उनका मैथ छोड़ के काफी टाइम हो गया होता है बट स्कूलिंग के बाद जो एक स्टूडेंट आ रहा है उससे बेसिक स्किल टेस्ट कर लेता है कि थोड़ा बहुत है कि नहीं परसेंटेज मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस मालूम है कि नहीं बेसिक कैलकुलेशन कर सकता है ना इसीलिए वो क्वेश्चन होता है ठीक है तो इस इंटेंशन को ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का एग्जामिनर का ठीक है और भी कुछ गाइडेंस है इंपॉर्टेंट मैं एंड ऑफ द सेशन आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ ठीक है तो जो भी जिन लोगों ने भी यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर द स्टूडेंट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉ सी डी थ्री ईयर्स एंड फाइव ईयर जो इस ईयर अपीयर करें उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है दे कैन दे कैन इम्प्रूव देयर स्कोर विद द हेल्प ऑफ द मॉक टेस्ट एंड इफ दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन एनी पर्टिकुलर सेक्शन लाइक मैथमेटिक्स रीजनिंग इंग्लिश वॉट एवर तो सेक्शनल के लिए दे कैन वर्क दे कैन वर्क ऑन इट सो वॉट एवर एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर गाइज फॉर यू गाइज आपके एक प्रिपरेशन को राइट right सेप देने के लिए एवरीथिंग इज सो दिस दो यू आर प्रिपेयरिंग सो दे कैन ऑल्सो इंक्वायर एंड जॉइन वेयर यू विल गेट द वीडियो लेक्चर मॉक टेस्ट बुक्स एंड मेंटरशिप स्ट्रेटेजी एंड एवरीथिंग एंड जो नेक्स्ट ईयर के लिए भी ये सेशन बाद में देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर उनके लिए भी खाली काफी बेनिफिशियल होगा सो यू कैन ज्वाइन अस फॉर द क्लास रूम एंड लाइव सेशन ऑल्सो तो क्लासरूम के लिए यू कैन इंक्वायर फॉर द वसई दादर बोरीवली थाना एंड अंधेरी सेंटर दीज आर आर द डिटेल्स विल हेल्पफुल फॉर यू टू कॉर्डिनेट एंड एंड कॉन्टेक्ट टू आवर

आप नहीं याद रहेगा ये नहीं आंसर बहुत टेंशन है पर नहीं याद रहेगा ये नहीं आंसर ठीक है मैं लास्ट में आप लोगों को टेंशन दूर करता हूं डोंट वरी ठीक है सो लेट लेट स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज वार्ट द नंबर ऑफ सैटेलाइट प्लैनेट मर्क्यूरी कंसिस्ट ऑफ देखो यहां पे जो क्वेश्चन है मर्क्यूरी के पास कितने सेटेलाइट uh, है इट मीनस नेचुरल सैटेलाइट की बात हो रही है यहां पे जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है तो ऐसे ही मर्करी जो एक प्लानट है इसके पास कितने सैटेलाइट है ओके okay, तो टू थ्री वन जीरो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सोलर सिस्टम सोलार सिस्टम से हाईली एक्सपेक्टेड होता है एक से दो क्वेश्चन मान लो दो क्वेश्चन नहीं आएगा तो जीरो टू वन क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है जीरो टू वन क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है इंटायर सोलर सिस्टम इज इंपॉर्टेंट पार्ट अब इसमें बहुत सारे फैक्ट हो जाते हैं दैट आई विल डिस्कस अभी करता हूं तो यहां पे राइट right आंसर हो जाएगा जीरो विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज देख सकते हो मर्करी इज वॉट नियरेस्ट प्लान टूअर द सन सन के सबसे नियरेस्ट प्लान है नियरनेस ऑफ द मर्करी टू मैस ग्रेविटी ये पूरा डिटेल्स है डिटेल्स मैं नहीं रीड कर रहा करूं ये आप लोगों को लिए प्रोवाइड किया ये पी डी एफ आप लोगों को आफ्टर द सेशन मिल जाएगा लिंक में आपको इसको डाउनलोड करना आज नहीं तो कल हो जाएगा बाकी प्रीवियस जो इतने मैंने हिस्ट्री पॉलिटी करंट अफेयर सारे अपडेट करा दिए दिया होप्स ओके मिल गया होगा ठीक है सो कंसर्न इज वॉन्ट कि यहां पे जीरो रिमेंबर रखना एंड इट्स नियरेस्ट प्लानेट टू द सन सन के सबसे नियरेस्ट प्लानेट ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है इज नोन एज अ रेड बहुत ईजी क्वेश्चन है वीनस मार्स जुपिटर एंड सैटन सो विच प्लानेट इज द रेड प्लानेट तो होप सो गाइज यू पीपल आर अवेयर मार्स एंड मार्स इज ऑफ टेन रेफर्ड द रेड प्लानेट ठीक है तो ये पूरा डिटेल्स है आप लोगों के लिए इसको डिटेल्स में पढ़ लेना क्वेश्चन आंसर विच प्लान इज नोन फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम रिंग सिस्टम के लिए कौन सा प्लान काफी फेमस है सो इज इट अर्थ मार्स शार्टन एंड यूरनस सो वट इज द नेम ऑफ द प्लानट विच इज वेरी वेरी फेमस फॉर द इट्स अ रिंग सो करेक्ट आंसर याद रखना शाटन ठीक है नेक्स्ट वट इज द लार्जेस्ट वेलकनो इन आवर सोलर सिस्टम लोकेटेड ऑन मार्स देखो यहां पे क्वेश्चन बहुत यूनिक टाइप का क्वेश्चन है और ये बहुत अलग अलग एग्जाम में मैंने देखा ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है सो व्हाट इज द लार्जेस्ट वेल्कनो इन आवर सोलर सिस्टम लोकेटेड ऑन मार्स मार्स पे तो जहां पे इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए मैंने इमेज भी यहां पे इंक्लूड किया है विथ विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू फिगर आउट आप माइंड में उस इमेज को मतलब तो एक बार अगर देख लोगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है ऐसे क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन को रिमेंबर रखना ओके सो ओलंपस ओलंपस मून यहां पे आप रिमेंबर रखोगे इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एटमोसफियर ऑन विनस विनस का जो मोस्ट एटमोस्फियर है उसका मेन कंपोनेंट क्या है ये सारे क्वेश्चन जो एक एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो सोलर सिस्टम से वो मैंने सारे यहां पे लिए हैं ओके सो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सो करेक्ट आंसर इज अ कार्बन डाइऑक्साइड देखो यहां पे मैंने कुछ चीजें मेंशन की हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारी चीजें फॉर एग्जाम्पल अर्थ पिछले साल ये क्वेश्चन भी पूछा गया था ओके अर्थ ट्वीन इज वेरी इंपॉर्टेंट पिछले के पिछले साल लॉस एडी थ्री प्लेट इज नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार विच प्लानेट इज नोन एज द हॉटेस्ट प्लानेट ओके विच प्लानेट इज नोन एज सिस्टर प्लानेट ऑफ अर्थ अर्थ ट्वीन ये सारे फैक्ट मैंने मैंनेशन किए बेसिकली ओवरऑल सोलर सिस्टम से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं निक नेम रिलेटेड क्वेश्चन सो नोट कर लो सोलर सिस्टम से रिलेट करके बेटर अंडरस्टैंडिंग रखोगे निक नेम ट शॉर्टेस्ट प्लान नियरेस्ट प्लान रेड प्लान ओके ब्लू प्लान ये जब जब जो सारे क्वेश्चन है ना इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग कम से कम रख लेना वट इज द ग्रेट रेड स्पॉट ऑन जुपिटर तो ये सारे बहुत ही प्रीसियस अच्छे क्वेश्चन हैं, जो नॉर्मली आपको नहीं देखने को मिलते मतलब नॉर्मली तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं रेड ये जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ओके सो ग्रेट रेड स्पॉट है जुपिटर पे जुपिटर पर आपने ग्रेट रेड स्पॉट दिखा इट्स वॉट अगें स्ट्रॉ अन रेंज अ डेज रीजन ए मैसिव अ कार्टन सो वट इज दिस वैट रेड स्पॉट सो याद रखना अगेन स्ट्रॉन्ग ये देखो पिक्चर के थ्रू में आपको बता देता हूं ये वाला पार्ट ये जो वाला पार्ट आपको दिखता है जुपिटर uh, पे इट इज वॉन्ट अगें स्ट्रॉन्ग जिसको बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देते विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट द कंसिक्वेंस ऑफ द ओजोन लेयर देखो एक हो गया सोलर सिस्टम नोट कर लो सोलर सिस्टम से रिलेटेड बेसिक फैक्ट आप पढ़ोगे विच द बिगेस्ट प्लान स्मोलेस्ट प्लान नियरेस्ट प्लान ब्लू रेड वॉट एवर सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है सबसे कम किसके पास है अर्थ के पास कितने नेचुरल सैटेलाइट है इस टाइप के इन्फॉर्मेशन आप पूरा अच्छे से रीड करोगे वॉट एवर द कंटेंट यू आर फॉलोइंग ठीक है नेक्स्ट नंबर पे आएगा ओजोन ओजोन को अच्छे से स्टडी कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का ओजोन से रिलेट करके हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पॉसिबिलिटी होती है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंसीक्वेंसेस ऑफ द ओजोन डिप्लीशन तो जो ओजोन डिप्लीशन का कौन सा इसमें से रीजन नहीं है ओके okay? काफी अच्छा ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में मैंने रिपीटेड क्वेश्चन देखा ये इंक्रीज द अल्ट्रावायलेट रेज एंड मेलिग्नेट एंड मेलानोमा अनदर फॉर्म ऑफ द स्किन कैंसर तो स्किन कैंसर बेसिकली रिमेंबर कर सकते हो

हाई ट जो चलता है बाकी ये सारे रीजन होते हैं डिप्लिटेशन ऑफ ओजोन से ये प्रॉब्लम हो सकती है ओके स्किन कैंसर की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है इंक्रीज हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेज हो जाता है तो देखो यहाँ पे इस इमेज के थ्रू आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है यहाँ पे ओजोन लेयर होता है विच प्रोटेक्ट द अर्थ इट्स ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंकेट प्रोटेक्ट ब्लैंकेट ऑफ अर्थ राइट नेक्स्ट है यहाँ पे डिप्लिटेशन इन द ओजोन लेयर इज अस्ड बाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे बताए ना मैंने सारे क्वेश्चन एकदम फिल्टर करके आप लोगों के लेके लिए डिप्लीटेशन इन द ओजोन लेयर इज कॉज बाय क्या रीजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रो ऑक्साइड मेथेन एंड क्लोरो फ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरो कार्बन वट इज द करेक्ट आंसर सो रिमेंबर रखना क्लोरो फ्लोरो कार्बन इज अन मोस्ट मेन रीजन ऑफ द डिप्लीटेशन ऑफ द ओजोन लेयर ठीक है नेक्स्ट है मॉन्ट्रल प्रोटोकॉल इज इट्स रिलेटेड टू वॉट ये भी देखो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ओजोन लेयर तो ओजोन लेयर ओजोन से ओजोन रिलेटेड बिकॉज इट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट राइट सो एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन होता है कि इन्वायरमेंट रिलेटेड अवेयरनेस रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीटेशन एक आपकी बेसिक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग चेक कर लेता है तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है जितने भी मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया दैट दीज ऑल द क्वेश्चन आर वेरी हाईली रेलिवेंट सो मंट्रल प्रोटोकॉल इट्स रिलेटेड टू सो ओजोन लेयर डिप्लेटेशन से रिलेट करके है अब यहां पे और क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना है आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको कभी एग्री किया गया था तो आई थिंक नाइनटीन एटी सेवन नाइनटीन एटी सेवन इज अ करेक्ट है इसका ओके okay. जो मंट्रल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था नेक्स्ट यहां पे गुड ओजोन इज फाउंडेड इन जो ओजोन लेयर है इट्स फाउंडेड इन एटमोसफियर के कौन से लेयर में मिलता है तो देखो कितने सारे पॉसिबल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इस ओजोन लेयर से आपको कवर करके दे दिए स्ट्रेटोस्फियर हेल्प ऑफ दिस इमेज इजिली यू कैन अंडरस्टैंड वेर इज द स्ट्रेटोस्फियर देखो ये स्ट्रेटोस्फियर का एरिया होता है यहां पे ओजोन लेयर होता है ओके सो ओजोन लेयर इज सो विद द हेल्प ऑफ इमेज ट्राई करो थोड़ा सा फिगर आउट करके अंडरस्टैंड करने का तो ईजली हो जाएगा आपको द वर्ल्ड लार्जेस्ट आईलैंड इज वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड तो देखो जो ये वाला वर्ड मैंने यूज किया ना वर्ल्ड लार्जेस्ट तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कैसे फॉर्म होंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट जो लॉन्गेस्ट रिवर हाईएस्ट माउंटेन लार्जेस्ट माउंटेन लार्जेस्ट आइलैंड इसी टाइप के स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जो वर्ल्ड में सबसे बड़े हैं सबसे छोटे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन और डीपेस्ट पॉइंट ऑन अ सी जो मरीना ट्रेंच है ये क्वेश्चन हो गया तो इसी टाइप के क्वेश्चन के एक्सपेक्टेशन होते हैं तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ग्रीन लैंड ठीक है ग्रीन लैंड विल बी करेक्ट यहां पे देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज ये आपको अंडरस्टैंड करेगा क्योंकि ज्योग्राफी को बेस्ट वे में स्टडी करने का जो एक राइट right वे है विद द हेल्प ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ मैप जितना पॉसिबल हो सकता है मैंने यहां पे इंक्लूड किया है तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए एंड इट्स माय सजेशन कि व्हेन यू आर रीडिंग द ज्योग्राफी जो भी कंटेंट फॉलो कर रहे हो इवन इफ यू आर मैन्यूअर स्टूडेंट तो आपने देखा होगा लेक्चर में जितने भी पार्ट को एक्सप्लेन करता हूं मैं या तो जो भी फैकल्टी है मेनुअर के सो so, उस सारे पीपीडी में इमेज को ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया स्पेशली जियोग्राफी के लेक्चर में कि विद द हेल्प ऑफ इमेज इजिली यू कैन अंडरस्टैंड ठीक है ये आंसर हो गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट वॉल्कोनिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड देखो अगेन यहां पे मैंने वर्ड क्या यूज किया हाइएस्ट सबसे हाइएस्ट वालकोनिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड यहां पे यूज किया सो इज इट के लिए पीना टूबो माउंट कोटो पैक्सी माउंटाल तो विच वन इज द हाइएस्ट तो यहां पे जो सबसे फेमस है माउंट कडोपी जो कि साउथ अमेरिका में है साउथ अमेरिका एंडीज माउंटेन रेंज में तो ये आपको रिमेंबर रखना है ठीक है तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को समझना है देखो द लार्जेस्ट यहां पे मैंने ये वर्ड किया यूज किया लार्जेस्ट कोरल रीफ विच इज कॉल्ड इन द वर्ल्ड इज फाउंडेड नियर द कोस्ट ऑफ सो इज इट ऑस्ट्रेलिया ब्राजील क्यूबा एंड श्रीलंका ठीक है तो लार्जेस्ट कोरल रीफ जो है काफी काफी ब्यूटीफुल uh, होता है ये आपने देखा भी होगा सर से वीडियो में सो so, ऑस्ट्रेलिया पपुआ न्यू गिनी वाला जो एरिया है उधर भी है सो so, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका आर सेपरेटेड बाय देखो ये बेसिकली क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स होते हैं जियोग्राफी के सो एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका सेपरेटेड बाई सो स्ट्रेट ऑफ डाओर बेस स्ट्रेट कुक स्ट्रेट एंड बेरिंग स्टेट स्ट्रेट नोट कर लेना काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्ट्रेट का काफी इंपॉर्टेंस भी है और यहां से पूछता है तो so, कुछ इंपॉर्टेंट वेल नोन स्ट्रेट है इनको आप अंडरस्टैंड कर लेना कि दे डिवाइडेड विच टू मेन लैंड यहां पे टू मेन लैंड देखोगे तो एशिया है और नॉर्थ अमेरिका है एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका को डिवाइड करता है ये देखो मैप में देख सकते हो ये जो नैरो स्पेस है ना टू मेन लैंड के बिटवीन जो नैरो स्पेस होता है ना जैसे यहां पे देख सकते हो कि टू मेन लैंड के बिटवीन एक नैरो स्पेस है दिस इज कॉल्ड वॉट स्ट्रेट तो ये एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका और एक देखो यहाँ पे विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑफ ऑन अर्थ यहाँ पे फिर मैंने वर्ल्ड क्या यूज किया लॉन्गेस्ट वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन मतलब सबसे हाइएस्ट नहीं पूछा याद रखना हाइएस्ट नहीं पूछा लॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज्यादा दूर तक फैला हुआ माउंटेन रेंज कौन सा है सो so, यहां पे हो जाएगा एंडीज माउंटेन रेंज कहां पे है साउथ अमेरिका में देख सकते हो इस मैप के थ्रू यहां पे ये जो कलरफुल वाला पार्ट है तो ये पूरा क्या है एंडीज माउंटेन रेंज जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज है ना पूरा कहां से स्टार्ट होता है कश्मीर वाले एरिया उधर उत्तराखंड से स्टार्ट होता है नेपाल होते हुए पूरा दिस इज नॉट हिमालयन माउंटेन रेंज तो उससे भी ज्यादा ये कौन सा है ये है एंडीज माउंटेन रेंज ठीक है सो यहां पे इसका जो है अबाउट सेवन सेवन थाउजेंड किलोमीटर का डिस्टेंस है पूरा इस माउंटेन रेंज का फॉलोइंगज द माउंटेन रेंज सपरेटेड यूरोप फ्रॉम एशिया सो इसका ठीक है आंसर है जो आंसर देख रहा है यूराल माउंटेन रेंज तो इसको आप देख सकते हो इस मैप के थ्रू यहाँ पे ये वाला जो एरिया है यूराल माउंटेन रेंज विच सेपरेट द एशिया फ्रॉम द यूरोप ठीक है तो इस वो इस माउंटेन का नाम रिमेम्बर रखना सो वर्ल्ड जियोग्राफी से यह सब सारे पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है द इक्वेटरियल फॉरेस्ट ऑफ द अमेजॉन बेसिन इन साउथ अमेरिका आर नोन एज वॉट्स सो टीगा पंपास पंपास इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन अ नॉर्थ साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका में होता है टुंडरा टुंड्राइज आपको पता है टुंड्रा एरिया जो टूड्रा एरिया होता है इट्स लाइक like पूरा आइस माइनस डिग्री में जो टेम्परेचर फ्रीज एरिया जिसको बोलते हैं तो जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है अमेजॉन बेसिन में उसको क्या बोलते हैं इट्स कॉल्ड द कहां गया क्वेश्चन सेलवा ठीक है आंसर यहां पे दिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है बाय द वे रिमेंबर रखना ठीक है नेक्स्ट सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका चलो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल सारे इतने लोग देख रहे थे ओनली द फ्यू पीपल आर पार्टिसिपेटिंग हियर इन द ऑप्शन पार्ट ट्राई करो एटलीस्ट ट्राई करो यू कैन इवेलुएट योर सेल्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हो तो ये क्वेश्चन काफी अच्छे इट इट जस्ट लाइक वन मॉक एक अच्छा मॉक जैसे आप देते हो ना वो मॉक है समझ लो और साथ में आपको एक्सप्लेनेशन और डिटेल भी मिल जा रहा है तो इन विद इन दिस थर्टी मिनट फोर्टी मिनट वॉट इट विल टेक आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो और एक अगर अच्छा आपके आंसर है तो यू विल फील द कॉन्फिडेंस एक मोटिवेशन भी मिलेगा ओके okay? और नहीं ये तो ठीक है अंडरस्टैंडिंग तो होगी नॉलेज होगा सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखा आपने इस तरह से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट समझ लो आ, ये पूरा है सो वेयर इज द सहारा वेस्टर्न पार्ट ईस्टर्न पार्ट साउथर्न पार्ट नॉर्दर्न पार्ट कौन से पार्ट में है सो नॉर्दर्न नॉर्दर्न पार्ट यहां पे देख सकते हो इस इमेज में यहां पे ऐसा ठीक है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द द लैंड ऑफ द थाउजेंड लेक काफी फेवरेट क्वेश्चन है इस टाइप इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ओके लैंड ऑफ थाउजेंड लेक थाउजेंड लेक का जिसको जैसे लैंड कंट्री इज नोन एज अ कंट्री ऑफ कैनाल जिसको कैनाल मतलब नहर नहरों का देश किसको बोलते हैं पाकिस्तान को बोलते हैं राइट ऐसे ही और क्वेश्चन है व्हाइट एलिफेंट किसको बोलते हैं व्हाइट लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट थाईलैंड को बोलते हैं ओके okay, तो ये सब सारे कुछ निक नेम रिलेटेड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है सो द द फॉलोइंग इज कॉल्ड लैंड ऑफ द थाउजेंड लेक ग्रीन ग्रीन लैंड स्वीडन फिनलैंड यूएसए सो फिनलैंड फिनलैंड रिमेंबर रखना इट्स कॉल्ड द लैंड ऑफ लेक्स नेक्स्ट है पाक स्ट्रेट स्ट्रेट वर्ड जो मैंने अभी आपको बताया था बेरिंग स्टेट विच डिवाइड द नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया पाक स्ट्रेट इट्स ऑल्सो इन बिटवीन टू मेन लैंड टू मेन लैंड कौन सा है याद रखना ये जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना हो गया ग्रेट इंडिया और ये समझो हो गया पाक कैन श्रीलंका इसके बिटवीन ये जो नैरो स्पेस है बिटवीन दिस टू मेन लैंड इट्स कॉल्ड द स्ट्रेट एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट पाक स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ इमेज देखो यहां पे ये पूरा आप समझ सकते हैं ये इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट ओके इंडिया एंड श्रीलंका ये भी काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम्स में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द यूएसए अब देखो यूएसए का सबसे हाइएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है किलाऊ अल्बर्ट मैकेनली मोनालुआ वट इज द नेम ऑफ दिस हाइएस्ट माउंटेन पीक इन यूनाइटेड स्टेट ठीक है तो याद रखना मैकेनली अगर से आपको एशिया का पूछा जाएगा एशिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज तो माउंट एवरेस्ट आपको सबको पता है ओके फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंडेड इन एरिया वेयर काफी काफी अच्छा क्वेश्चन है

लॉके एग्जाम में तो नहीं बट दूसरे एग्जाम से मैंने देखा था पूछा गया था मैंग्रूव बिकॉज मैंग्रूव से रिलेट करके गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया था मैंग्रूव प्रोडक्शन के लिए ओके सो विच इज द लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया इन द वर्ल्ड बेसिकली नॉट ओनली इन इंडिया तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रूव फॉरेस्ट सो अल्फाइन फॉरेस्ट अफ्रीकन फॉरेस्ट ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट एंड सुंदरबन होप सो गाइज यू पीपल आर अवेयर अबाउट द इंडियन मोस्ट मैंग्रोव एरिया वेर इज इट सुंदरबन कहां पे है कोलकाता ओके okay. कोलकाता नेक्स्ट यहां पे व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया तो ये क्वेश्चन शायद से कभी कभी पूछ सकता है नॉर्मली तो एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि ऐसे क्वेश्चंस भी आए क्योंकि एरिया वाइज बहुत रेयरली कभी कभी समटाइम पूछ लेता है तो एटलीस्ट इंडिया का जो पूरा टोटल एरिया वो याद रखना थर्टी टू लैक एटी वन एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी वन नाइनटी फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टी स्क्वायर किलोमीटर ये भी जब आप फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया पढ़ोगे तो पहला इन्फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट होता है इंडिया का बाउंड्रीज इंडिया का टोटल स्क्वायर किलोमीटर देखो ये क्वेश्चन काफी फेमस है काफी इंपॉर्टेंट है द फेमस लेगून लेक ऑफ इंडिया लेगून लेक ऑफ इंडिया इज वॉट चिल्का लेक पुलकिट लेक मानसरोवर एंड डल लेक सो यहाँ पे वर्ड याद रखना इट्स अ फेमस लेगून लेक ओके सो इसका जो आंसर है चिल्का लेक बहुत बार पूछा जाता है ये

जितने पार्ट्स मैं कवर कर रहा हूँ ना देखो मैंने आपको सोलर सिस्टम से अंडरस्टैंडिंग करा दिया आपको आ, सोलार ये बट ठीक है ओजोन से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया वर्ल्ड के बेस्ट एंड टॉप टॉप लेवल लार्जेस्ट हाईएस्ट इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं इसी टाइप के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में आना होगा तो आएंगे और बाकी डिटेल्स में बहुत ज्यादा नहीं आते ओके आफ्टर दैट जो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ रिवर सिस्टम तो रिवर सिस्टम जस्ट मार्क इट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और स्पेशली तो फोकस करना अगर करंट अफेयर्स में कोई रिवर है तो उस पर ज्यादा फोकस करना अगर ठीक है अगर कोई रिवर न्यूज में भाई देखा कुछ इंपॉर्टेंट वेल नोन रिवर है गंगा है अमर आ, ब्रह्मपुत्र है और नर्मदा रिवर है इन सबसे रिलेट करके इनका ओरिजिनेटेड एंड एंडिंग प्लेस एटलीस्ट इतना तो समझ के रखना जब भी आप जियोग्राफी को स्टडी कर रहे हो सो so, नर्मदा नर्मदा रिवर यहां पे देख सकते हो नर्मदा रिवर जो है यहां पे ये वाला पार्ट तो इट्स ओरिजिनेटेड प्लेस इज वॉन्ट अमरकंट अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कौन से डायरेक्शन में फ्लोइंग है तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है याद रखना ये क्या है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर ये सारे रिवर वेस्टर्न फ्लोइंग और इस इमेज के हेल्प से आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ताप्ती कहाँ पे है नर्मदा कहां पे है माही कहाँ पे, पे है साबरमती रिवर कहाँ पे है लूनी रिवर कहाँ पे है तो ये सारे रिवर्स इस इस इमेज के थ्रू बहुत ईजिली आप अंडरस्टैंड कर लोगे ठीक है इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू इज वॉट इट्स नोन एज वॉट मालवा प्लेटू डेक्कन एंड विंध्य एन छोटा नागपुर प्लेटू उस ठीक है लैंड इज कॉल्ड लो टू मेन लैंड एक मेन लैंड कनेक्ट कर रहा है सो दिस इज कॉल्ड वॉट पेनसिला किसको बोलते हैं जो भी मेन लैंड थ्री साइड से वॉटर से कवर होते जैसे इंडिया का ये पूरा पार्ट क्या है वॉटर से है तो इट्स कॉल्ड पेनसिला ओके okay, ये हो गया एंड कोप एंड स्ट्रेट स्ट्रेट मैंने आपको बता दिया टू मेन लैंड के बिटवीन टू मेन लैंड के बिटवीन जो स्पेस होता है इस कॉल uh, okay? जो है रिमेनिंग वाला जो पार्ट ये है आपका स्तमस इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है स्तमस ऑफ पनामा देखो यहाँ पे एक नैरो मेन लैंड जो टू मेन लैंड को एक नैरो नैरो मेन लैंड कनेक्ट करता है इस कॉल द इसमस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द टाउन विच इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द भागीरथी एंड एंड अलकनंदा इज वॉट तो इसको क्या बोलते हैं देवप्रयाग विष्णुप्रयाग कर्णप्रयाग एंड रुद्रप्रयाग ठीक है प्रयाग, प्रयाग, प्रयाग रुद्र तो जहां पे कॉन्फ्लुएंस होता है ऑफ दीज टू रिवर भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों रिवर यहां पे मिलते हैं और इसके बाद फिर दीज दे, रिवर इज कॉल्ड ये दोनों रिवर को फिर मिलने के बाद इसको गंगा बोलते हैं इसके पहले जो होता है ये भागीरथी रिवर होती है उसके पहले अलग अलकनंदा होती है इसके पहले गंगा नहीं होती जब ये दोनों मिलते हैं तब जाके ये गंगा बनती है तो क्वेश्चन इज आस्किंग कि कौन से प्लेस पे ये दोनों मिलते हैं ओके सो इट्स कॉल्ड देव प्रयाग ठीक है अब देखो इस इमेज के हेल्प से आप पूरा समझ लो कि कर्ण प्रयाग पे क्या होता है यहां पे अलकनंदा और दर गंगा मिलती है रुद्रप्रयाग में क्या होता है मंदागिनी मंदागिनी और अलकनंदा मिलती है देव प्रयाग में क्या होता है अलकनंदा और भागीरथी रिवर मिलती है तो इस तरह से जैसे गंगा यमुना गंगा यमुना और सरस्वती रिवर जो बोलते हैं कि अभी हाँ, मतलब इट्स एक्चुअल में दिखती नहीं है बट है वहां पे सो उस प्लेस को क्या बोलते हैं चलो बताओ जहाँ पे गंगा यमुना का कॉन्फ्लुएंस होता है संगम एंड सरस्वती दिस प्लेस इज नोन एज वॉन्ट दिस प्लेस इज नोन एज वॉर्ड गाइड्स एनी वन ठीक है तो इस इमेज को अच्छे से देखना सारे रिवर्स एंड उनके कॉन्फ्लुएंस एंड अंडरस्टैंडिंग आपको काफी अच्छे से हो जाएगी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इंडियन रिवर्स ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र एंड फ्लो थ्रू द कर्नाटका आंध्र प्रदेश एंड मीट दंगाल आंध्र प्रदेश प्रयाग प्रयागराज संगम तो बोलते ही है इट्स कॉल्ड द प्रयागराज जैसे आपने देखा ना कर्ण प्रयाग देव प्रयाग इट्स कॉल द प्रयागराज जो अभी का uh, इलाहाबाद जो पहले बोला जाता था अभी नाउ इट्स न्यू नेम इज वॉट प्रयागराज ओके ओके सो सी यो वट इज द नेम ऑफ दैट रिवर सो कृष्णा रिवर देखो कृष्णा रिवर को आप देख सकते हो इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द महाराष्ट्र एंड इट्स फ्लो बे ऑफ बंगाल में जाके यहां पे एंड होता है ओके सो कृष्णा बी ऑप्शन रिमेंबर रखना नेक्स्ट विच इज द लॉन्गेस्ट इरीगेशन कैनल इन इंडिया इंडिया में सबसे जो लॉन्गेस्ट इरीगेशन के लिए यूज होता है इट्स वॉट्स इट्स वॉट इंदिरा गांधी कैनल ओके नहर जिसको बोलते हैं नहर ओके तो ये याद रखना तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट है रिवर लूनी ओरिजिनेटेड नियर द पुस्कर एंड ड्रेन इन टू द विच ऑफ द फॉलोइंग अर्बियन सी गल्फ ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बेबर एंड रन ऑफ कच तो कहां पर इसका एंडिंग होता है बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो ये रिवर अभी मैंने आपको इमेज में दिखाया था होप्सो आपको बेसिक आइडिया होगा तो याद रखना रन ऑफ कच्च में जाके इसका एंडिंग होता है ओके नेक्स्ट विच रिवर इज द साउदला हैज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया पेनेंसिला रिवल आप भी आपको बता दिया ये वाला जो इंडिया का पार्ट होता है ना इंडिया का ये जो पार्ट है इट्स कॉल्ड वॉट पेनेंसला एरिया ये पूरे एरिया को क्या बोलते हैं मतलब जो थ्री थ्री एरिया से से वाटर कवर हो उसी को बोलते हैं हैज सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज वॉट कृष्णा कावेरी महानदी एंड गोदावरी इट डज नॉट मेड द सी यस नेक्स्ट वन इज अ गोदावरी ओके

तांस, तांस, गोपो, it's called in China. फिर यहां से दिबांग से इंटर होता है दिबांग जो प्लेस है आसाम का यहां से एंट्री होती है इंडिया में एंड नाउ इट्स कॉल द ब्रह्मपुत्र ओके okay? इसको ब्रह्मपुत्र यहां बोलते नाउ सी द नेक्स्ट वन द चैनल सेपरेट द अंडमान आइलैंड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड इज नोन एज वॉट देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बिकॉज इंडिया और जो मॉलदीप का इशू चल रहा है ना साइस से अगर से एग्जामिनर के मूड में आया तो पूछ लेगा ये डिवाइड कौन से चैनल को डिवाइड कौन सा चैनल इंडिया एंड लक्षद्वीप को डिवाइड करता है तो या फिर लक्षद्वीप से रिलेट करके और भी जो चैनल्स है तो क्योंकि ये वाला पूरा रीजन क्या है पार्ट ऑफ न्यूज काफी चल रहा है ओके okay? तो देखो चैनल सेपरेट द अंडमान फ्रॉम द निकोबार आइलैंड इज नोन एज वॉट टेन डिग्री चैनल बोलते हैं अब इसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक इमेज दिया है यहां पे सारे सारे चैनल्स को जो भी साउथ के अरबियन सी में है उसको मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है तो देखो यहां पे जो चैनल्स डिफाइन हो रहे हैं जैसे इंदिरा पॉइंट याद रखना इंदिरा पॉइंट क्या है इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट है मेन लैंड का नहीं मेन लैंड का नहीं इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट क्या है इंदिरा पॉइंट ये भी एग्जाम में पूछा गया है याद रखना एट डिग्री चैनल जो है एट डिग्री चैनल इंडिया और मतलब लक्षद्वीप लक्षद्वीप इज द पार्ट ऑफ इंडिया तो अगर से लक्षद्वीप और मालदीप को जो डिवाइड करता है इट्स अ इट्स डिग्री डिग्री चैनल, ओके, चैनल जो इंडिया करता है, मी, आ, जो एक आइलैंड है और ग्रुप लक्षद्वीप ग्रुप का तो यहां पे नाइन डिग्री चैनल डिवाइड करता है लक्षद्वीप ग्रुप से जो मीनीय को ओके एंड टेन डिग्री चैनल यहां पे आप देख सकते हो यहां पे लिटिल अंडमान को डिवाइड करता है तो जितने भी इंपॉर्टेंट है उस एरिया से रिलेट करके जो सपरेट हैं उन सबको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इमेज मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको अच्छे से देख लेना ये पीपीडी पी में दे दूंगा यू कैन डाउनलोड इट और अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना ओके okay? तो बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इस पूरे कंटेंट में है मतलब कहने के लिए 50 है बट इट विल गिव यू द मोर देन वन फिफ्टी इंफॉर्मेशन अगर आपने अच्छे से स्टडी किया तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया इंडिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस कौन सा है सो so, देखो चेरा पुंजी एंड इसको क्या बोलते हैं मावेश्वरम महाबालेश्वर एंड उदम उदगमंदलम ओके okay? सो so, जो सबसे वेटेस्ट प्लेस है ना वो चेरापुंजी देखो सम पीपल आर सेइंग कि चेरापुंजी है बट नो no डाउट चेरापुंजी है बट चेरापूंजी में एक प्लेस है जो इट्स कॉल्ड इट्स कॉल्ड मैसी मैसी नरम बोलते हैं इसको मैसी नरम तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भी चेरापुंजी में ही है वहीं पे है तो दिस इज द मोस्ट वेटेस्ट प्लेस याद रखना ओके हाँ अगर से ये ये ऑप्शन में नहीं रहेगा ये ऑप्शन में रहेगा डेफिनेटली चेहरा पूंजी करोगे और अगर से ये दोनों ऑप्शन में है तो इसको मार्क करना है इसको मार्क करेंगे ओके काना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन काना नेशनल पार्क कहां पे है तो काना नेशनल पार्क इज वेरी फेमस नेशनल पार्क मध्य प्रदेश याद रखना कूनू नेशनल पार्क कूनू नेशनल पार्क ऑल्सो इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना मध्य प्रदेश में है अभी रिसेंटली लास्ट ईयर न्यूज में था और किसी रीजन से अगर से आ गया न्यूज में तो समझ के रखना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया तो देखो यहां पे फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया सुकाना सॉरीसिका बानदीपुर एंड कार्बेट नेशनल पार्क और जिम कार्बेट नेशनल पार्क सो रिमेंबर करना निखिल वॉट हैपेंड कार्बेट नेशनल पार्क कार्बेट नेशनल पार्क ठीक है च ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज नाउ रिगार्डेड एज द इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट सबसे ज्यादा जो स्पीसीज होते हैं इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट मतलब जहां पर सबसे ज्यादा स्पीसीज है वो कौन सा एरिया है वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न हिमालय ओके सो विच पार्ट ऑफ द विच पार्ट ऑफ द इंडिया इज अ मोस्ट इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट तो वेस्टर्न घाट याद रखना अब भी इसमें डिटेल दिए हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप वीडियो को पॉज करो देखो या फिर आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से स्टडी कर लेना ओके विच इंडियन स्टेट इज लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस कौन करता है गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश सो so, करेक्ट आंसर विल बी गुजरात बट सबसे ज्यादा कल्टीवेशन कहां पे होता है गुजरात इज लीडिंग कॉटन ग्रोइंग स्टेट वाइल्ड महाराष्ट्र डिवोट इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द कॉटन कल्टीवेशन देखो ये सारे पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दिया है अच्छे से रीड करोगे तो पूरा समझ में आएगा नेक्स्ट है इन इंडिया एग्रीकल्चर द पीरियड फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर नवंबर इज कॉल्ड व्हाट तो जो डिफरेंट फार्मिंग सीजन है उस उस फार्मिंग सीजन सीजन को सिर्फ मंथ वाइज याद कर लेना कौन से में क्या कल्टीवेशन होता है इसको रिमेंबर करने की ज्यादा नीड नहीं है किस सीजन में क्या कल्टीवेशन होता है उसको नहीं पढ़ोगे चलेगा बट कौन से खरीफ का जायद का इनका जो पीरियड है वो समझ के रखना ओके नेक्स्ट वन इज द ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू वॉट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखो यहां पे मैंने एक लिया है ब्लू रिवोल्यूशन आपको पढ़ना कितना है आपको कम से कम एट पढ़ना ब्लैक रिवोल्यूशन ग्रीन रिवोल्यूशन व्हाइट रिवोल्यूशन विच इज ऑल्सो नोन एज द ऑपरेशन फ्लड एंड ब्लू रिवोल्यूशन पिंक रिवोल्यूशन ओके और गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन इस तरह से सेवन एट इंपॉर्टेंट है इसको चाहिए तो अगर से uh, मेनूवर के कंटेंट लेक्चर में भी आपने देखा होगा यू कैन गूगल इट एंड सजेशन कि ये सबसे मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हाईली एंड यू विल सी द क्वेश्चन रिलेटेड टू इट ओके सो फीस प्रोडक्शन याद रखना तो यहां पे एक महीने कवर किया उसके बाद मैंने सजेशन क्या दिया कि इससे रिलेटेड जितने भी हैं वो सब अपडेट कर लेना विच इज द सिटी लिंक बाय द हाइएस्ट नंबर ऑफ द रेलवे जोन सबसे हाइएस्ट नंबर ऑफ रेलवे जोन ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेट करके बेसिकली जो क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है दिस इज दूर सो इज इट दिल्ली मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता ओके सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई मुंबई रिमेंबर रखना वेर इज द इंडियन नेशनल रेल म्यूजियम सिचुएटेड तो देखो इसका राइट आंसर दिख रहा है तो so दिल्ली दिल्ली याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज वॉट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूस अबाउट अबाउटी परसेंट ऑफ द टोटल सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया टोटल सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया सो इज इट जम्मू कश्मीर वेस्ट बंगाल कर्नाटका एंड आसाम सो वट इज द नेम ऑफ द स्टेट सो रिमेंबर रखना कर्नाटका विच प्रोड्यूस द मोर देन फिफ्टी परसेंट

ओके गाइस सो देखो जितने भी मैंने क्वेश्चन यहां पर कवर किए इस क्वेश्चन से एक लर्निंग पार्ट है हाउ कैन आई परचेस थ्री ईयर्स एल एल बी स्टैटिक्स सेक्शनल कोर्स तो सर यू कैन विजिट मेन्यूअर वेबसाइट एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन कॉल टू आवर टीम जो आपको गाइड कर देंगे टू परचेज द प्रोग्राम्स वॉट एवर स्ट्रटेजी के जो भी है ओके सो दीज आर आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया इस क्वेश्चन से ज्यादा एक और चीज इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपको बीच बीच में गाइड कर रहा था ठीक है कि देखो जिस तरह से मैं सोलर सिस्टम को कवर कर रहा हूं तो मतलब सोलर सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट है उससे मैंने फाइव सिक्स क्वेश्चन कवर किया आई विल सजेस्ट कि उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मैंने दूसरा जो इंडिया का ज्योग्राफिकल पॉइंट डिस्कस किया ओजोन पॉइंट को डिस्कस किया तो जो एरिया में चूज कर इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन को डिस्कस किया ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस किया रिवर्स को डिस्कस किया वर्ल्ड के टॉप लार्जेस्ट हाईएस्ट वाले टाइप के क्वेश्चन को किया तो जो भी कंटेंट गाइज यू पीपल आर फॉलोइंग ट्राई करो कि इसी टाइप के इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करो दिस इज द वन थिंग ठीक है ये एक सजेशन हो गया सेकेंड सजेशन इज वॉट सेकेंड सजेशन इज वॉट कुछ इंपॉर्टेंट एरिया जैसे साइक्लोन नोट कर लो रिसेंट साइक्लोन को रिमेंबर रिमेंबर uh, रखना ओके रिसेंट साइक्लोन को रिमेंबर रखना रिसेंट कोई वेल्कनो है तो उसको रिमेंबर रखना रिसेंट में कोई रिवर अगर से न्यूज़ में आ गया तो उसको अच्छे से समझ के रखना इट दिस रिवर इज वेयर इट इज पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ इंडिया ओरिजिनेटेड प्लेस एंडिंग प्लेस व्हाट एवर इफ एनी वेल्कनो इज पार्ट ऑफ न्यूज तो उसको अपडेट रख सकते हो और इसी टाइप की चीजें जो करंट में न्यूज़ में रहेंगी ना तो उन पे ज्यादा फोकस करना कहने के लिए सिलेबस काफी बड़ा है बट बहुत लिमिटेड और स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ोगे तो काफी लिमिटेड और अच्छे स्कोर कर लोगे। तो जो ये क्वेश्चन no रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन अपडेट करने का and, uh, and, uh, जो मैंने और कुछ चीजें बताई जो रिसेंट पार्ट के वैलकनो रिवर नेशनल पार्क नेशनल पार्क अगर कोई न्यूज में रहेगा तो उसको अच्छे से समझ के रखना ओके सो दीज आर आर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द जोग्राफी पार्ट एंड इफ यू हैव एनी एनी क्वेश्चन विथ मी सो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट आंसर जो भी बेटर होगा एंड जो लोग इस सेशन को बाद में देख रहे हैं उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर सो हियर यू कैन जॉइन एज फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोग्राम्स वेर यू विल गेट द मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल प्रोग्राम एज वेल एज लाइव क्लास वट एवर यू कैन इंक्वायर सो नंबर्स आर हि फॉर ऑनलाइन एंड फॉर ऑफलाइन दिज नंबर्स सो यू कैन कॉल टूअर्स फॉर एनी डाउट एनी एनी discussion and uh, social media platform will help you to connect with us and you will get the updates regarding the exam sare updates milte rehte chote se bade update jo bhi cd cell ke ho teaching se leke notification se leke sari cheeze we are updating here to aapke liye beneficial hai okay sir law preparations ke liye theek hai na ha sir law preparation के लिए ठीक है, हाँ, है ना क्या ठीक है ये जो मैं बता रहा हूँ हाँ ठीक है ना इसीलिए तो थ्री ईयर्स फाइव ईयर्स के लिए मैं दे रहा हूँ आपके कंटेंट बहुत अच्छे रहते हैं थैंक यू सर ओके निखिल डेफिनेटली जो कंटेंट मैं लेके आता हूं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रिसर्च करके ऐसे ही नहीं लेके आता कि चलो ठीक है कुछ भी दे दिया अगर से आप इसको अच्छे से फॉलो कर रहे हो इसके अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हो तो इट्स लाइक वन गाइडेंस आपको बहुत कुछ आइडिया दे देगा कि इसी टाइप के कंटेंट को आपको प्रिपरेशन करना होता है ठीक है सो जो अभी है वो कुछ भी डाउट एंड एनी डिस्कशन से यू कैन जो बाद में देख रहे हैं उनके लिए एक ही ऑप्शन होता है कमेंट कमेंट करके आप के जो डाउट होंगे वो कर लेना वेरी सुन आई एम कमिंग विद द नेक्स्ट करंट अफेयर्स पार्ट बिकॉज बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रहे हैं करंट अफेयर्स को लेके तो एक सेशन मैंने दिया था लास्ट थ्री मंथ का अभी जनवरी एंड हो गया है आई विल ट्राई टू एंड ऑफ द फेब्रवरी क्योंकि फेबर भी हो जाए तो इस पार्ट से क्योंकि इसमें बजट भी आ गया बजट भी आ गया और बहुत सारे अवार्ड्स का अनाउंसमेंट है वो हो गया जनवरी और फेबर के करंट अफेयर्स तो जनवरी एंड फरवरी में जो एकदम से हाईलाइटेड क्वेश्चन होंगे उनका भी एक सेशन आप लोगों के लिए डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड क्योंकि लोगों के रिक्वेस्ट है तो ऐसे ही जो भी रिक्वेस्ट एंड डाउट है तो यू कैन शेयर विथ हस यू कैन आस इन कमेंट एंड ये पीवीडी आप लोगों को मिल जाएगा कल अपडेट हो जाएगा कल संडे है तो इफ पॉसिबल कल नहीं तो मंडे को हो जाएगा तो आप इसको डाउनलोड कर लेना फॉर द तो प्रैक्टिस के लिए ओके okay, काउंट की भी एक सीरीज लाइए प्लीज ओके विल सेंड योर रिक्वेस्ट टू द मैनेजमेंट पॉसिबल होगा तो एक सेशन इस टाइप के ले लेंगे जिस जिस जो लाइक नंबर नंबर सीरीज परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस ये जो अर्थमैटिक के टॉपिक है इनके टाइप ऑफ द क्वेश्चन का विल ट्राई टू डू दैट निखिल ओके चलो गईस प्रिपरेशन करते रहो अच्छे से एंड विल प्रे एंड विल गाइड यू कि जिस वे में भी आप प्रिपेशन कर रहे हो अच्छा स्कोर करो ओके एंड वॉट एवर द यूनिवर्सिटी कॉलेज इज यू आर टारगेटिंग स्कोर बेटर गिव योर हंड्रेड परसेंट एंड इफ यूल गिव द योर हंड्रेड परसेंट एंड इन कंसिस्टेंट वे डिफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस कोई इसमें डाउट नहीं है दीज ऑल द एग्जाम्स आर वेरी मॉडरेट लेवल एग्जाम अच्छे से प्रिपरेशन करो हो जाएगा ओके okay? चलो एवरी वन बाय बाय एंड गुड नाइट